अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं लाहौरी चिकन कढ़ाई। तो जिसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो चिकन। ये लेग पीस जो है इसको मैं ऐसे कट लगाऊँ ताकि ये जो मसाला होता है अंदर तक रच जाए। मैं इसके ऊपर 1 चम्मच सवा लहसुन का डालूँगी, 1 चम्मच सवा अदरक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ जीरा, भुना हुआ और पिसा हुआ, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची, आधा चम्मच कटा हुआ धनिया। अब मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स, हाथ से मिक्स करके इसको मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। लाहौरी चिकन बनाने के लिए हमें जो मसाले चाहिए, तो सबसे पहले मैंने आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और ये मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है, 4 बड़े टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, 4 बड़ी मिर्चें ली हैं, ये भी मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया, और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है। तो अब हम चिकन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने चूल्हे के ऊपर ऑयल डाल के रखा हुआ है। उससे पहले ये 1 चम्मच ज़ीरे का डाल रहा हूँ। जैसे ही हमारा ज़ीरा थोड़ा कड़कड़ाएगा तो उसके बाद ये मैंने 2 जड़े लहसुन के लिए के इसको ऐसे बारीक बारीक काट दिए। अब ये भी इसमें डाल रहा हूँ, ये देखें लहसुन अदरक को बिल्कुल स्लो हीट पे मैंने हल्का हल्का लाइट ब्राउन कर लिया। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँ। थोड़ा सा करने के बाद जो हमने ये देखो चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है, इसको तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये डाल थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का फुल्का सा करो। ये हमारा गोश्त अच्छे से फ्राई हो रहा है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर इसके अंदर दूसरे मसाले डालेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना सही रखना। अब हम 1 छोटा चम्मच सूखी मिर्ची का डालेंगे, डालने के बाद थोड़ा सी चम्मच को चलाएंगे। अब मैं ये सारे मसाले डाल दूँ। मसाले डालने के बाद बस हल्का सा इसे फ्राई करना है मसाले में ताकि ये भून जाए। अब हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच चिकन पाउडर का डालें, साथ ही ये प्याज का आँच बिल्कुल स्लो कर देनी है। और अब ये मैं सारे टमाटर ऐड कर दूँगी, साथ ही आधी सब्ज़ मिर्चें ये भी ऐड कर दूँगी। इसे फैलाना नहीं है, ऐसे फैला देना। फैलाने के बाद इसे मैं कवर कर दूँ। सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने 2 मिनट के लिए कवर करके रखा हुआ था। अब हम देखते हैं, अब मैं इसे फैलाऊँगा। अब इसको पकने देना है, कवर करके रख देना है, 1-2 मरतबा दरमियान में हलाना है। ये अपने ही पानी में टमाटर और प्याज के पानी में गलेगा। हम फिर इसे कवर करते हैं। ये देखें टमाटरों ने और प्याज ने अपना काफ़ी पानी छोड़ा है और उसी पानी में ये चिकन गल रहा है। अभी मैं इसे 2-3 मिनट के लिए फिर कवर करके रखूँगी ताकि ये और अच्छे से गल सके। हमारा कितने अच्छे से पक रहा है। हम इसकी बुनाई करते हैं तेज़ आंच पे, तो भूनेंगे। अगर आपको नमक मिर्चें कम लगे तो आप और डाल सकती हैं। ये ज़्यादा ऑयल में पकता है, ज़्यादा ऑयल में बनाना है। ये 1 बॉल भर के मैं इसके अंदर दही डाला। दही डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे और तेज़ आंच पे इसको भून लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी लाहौरी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम इसमें थोड़ा गर्म मसाला डालेंगे, थोड़ा सा डालना है, सिर्फ 1/2 चम्मच। और ये मैंने धनिया लेके साथ इसकी डंडियाँ काटी, ठीक है। डंडियाँ जो है इससे जायका बहुत अच्छा होता है। और ये थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, साथ ही ये डाल देंगे अदरक। अब इसको करते हैं मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं डिश आउट करती हूँ।
देखिए ये लाहौरी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी मेरे तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, मेहमान आए तो ये तकरीबन आधे घंटे में बन जाती है। झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।